हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बालों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि हमारे बाल झड़ते बहुत हैं कंघी करते टाइम, या हम लोग शैम्पू करके आते हैं फिर कंघी करते हैं तो बहुत बाल टूटते हैं, रूखे से बाल रहते हैं। तो हमने होममेड एक सिरप, हेयर सिरप बनाया है जो कि एलोवेरा से बनाया है मैंने, और अपने बच्चों पर भी यूज किया है, अपने बालों पर भी यूज किया है, तभी हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आप भी जिस तरह से हम आपको बताएंगे हेयर सिरप बनाएंगे तो आपके बाल बहुत स्मूथ रहेंगे, और उसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ में रख के, और इसे बड़े बूढ़े बच्चे कोई भी इसको लगा सकता है। तो अब हम आपको जो बता रहे हैं तो आप लोग उसी तरह से इसको बनाइएगा। हमने ये एलोवेरा लिया है, आप किसी भी उसका एलोवेरा ले लीजिए। अगर एलोवेरा आपके पास नहीं है इस टाइप का, तो जो कि घर में हम लोग एलोवेरा लगाते हैं, आप उसमें से निकाल लीजिए चम्मच की सहायता से। हमने ये लिया है, हमारे घर पे एलोवेरा नहीं है तो हमने ये यूज करते हैं घर पे। और एक ऐसा बोतल लेना है आपको, सादा वाला ले सकते हैं, स्प्रे वाला भी ले सकते हैं। हमने स्प्रे वाला बोतल लिया है, आप सादा वाले भी ले सकते हैं। तो इसमें आधा पानी भरना है, आधा ही इसमें एलोवेरा मिलाना है। तो हम आपको भी बता रहे हैं, हमने आरओ का पानी लिया है, आप कोई भी पानी यूज कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह से आप ये जेल ले लीजिए और इसमें इस तरह से आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें कुछ कर लिए हैं, देखिए हमने इस तरह से इसमें आपको बताया था कि आधा पानी और इसमें एलोवेरा जेल, तो हमने ये मिला लिया एलोवेरा जेल इसमें अच्छे से चम्मच की सहायता से। अब इसको हम अच्छे से सेक कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इसको सेक कर लिया है तो ऐसा दिखेगा ये, और पहले से हमने बना के रखा था अपना, तो ये हम लोग घर पे यूज करते थे तो इसी हिसाब से हमने ये बनाया है, ऐसा दिखेगा ये। और आप इसको बालों पर ऐसे स्प्रे करेंगे, सब पूरे बालों पर आप इसको स्प्रे करना, जिससे कि आपके बाल फिर इसके थोड़ी देर बाद जब आपके बाल सूख जाएं तो फिर आप उसमें कंघी करना, तो आपके बाल इतने स्मूथ हो जाएंगे एकदम बिल्कुल शाइन, बालों में एकदम चमक आ जाएगी। आप हफ्ते में आप दो बार इसको यूज करें फिर आप इसका रिजल्ट देखना कितना अच्छा रहेगा। और आप लोग इसको जरूर बनाना और ट्राई करना, कमेंट्स में बताना मुझे कि ये आपके बाल कैसे हुए हैं, स्मूथ सिल्की हुए कि नहीं हुए हैं। और प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आगे हम आपको और टिप्स दे सकें। ये मैंने हेयर के रिलेटिव बताया था आपको, फेस के लिए आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं उसके लिए आपको हम और टिप्स देंगे। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।